और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 13 के घर में खेसारी लाल यादव ने एंट्री ले लिया है, जिसका धमाकेदार एक टेलीकास्ट कर दिया गया है। जी हां, जिसमें सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भोजपुरी की रानी यानी की रानी चटर्जी के साथ सलमान खान के साथ स्टेज पर खूब मस्ती करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जी, आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव, कुछ दिन पहले सलमान खान ने अनाउंस किया था कि खेसारी लाल यादव जल्द ही वाइल्ड कार्ड के एंट्री के साथ बिग बॉस के 13 के घर में एंट्री लेंगे, जिसका अब पूरी तरह से खेसारी लाल यादव 2019 के बिग बॉस के घर में एंट्री ले चुके हैं, वो भी रानी चटर्जी के साथ। जी हां, रानी चटर्जी ने खेसारी लाल यादव के साथ जमकर भोजपुरिया गाने पर बिग बॉस के स्टेज पर जमकर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। साथ ही साथ रानी चटर्जी ने जिस तरीके से सलमान खान के साथ फुल ऑन मस्ती करते हुए नजर आए, वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। और साथ ही साथ खेसारी लाल यादव ने सलमान खान को लिट्टी चोखा, जो कि बिहार का सबसे फेवरेट खाना है, उसका स्वाद भी खेसारी लाल यादव ने सलमान खान को चखाया है। और सलमान खान ने भी खेसारी लाल यादव को जम के तारीफ करते हुए नजर आए, आपको बता दें कि जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। साथ ही साथ रानी चटर्जी ने खेसारी लाल यादव को बिग बॉस के 13 के घर में जाने पर हार्दिक बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप बिग बॉस 13 के भी विनर बने। साथ ही साथ सलमान खान ने भी खेसारी लाल यादव के जम की तारीफ किया है। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव ने सलमान खान को अपना सबसे चर्चित गाना ठीक है पर भोजपुरी ठुमका भी लगवाया है। अब देखना यही होगा कि खेसारी लाल यादव के बिग बॉस 13 में जाने से बिग बॉस के टीआरपी में कितना इजाफा होगा, यह तो आने वाले 2-4 दिन में पता होगा। लेकिन खेसारी लाल यादव के बिग बॉस 13 में जाने से एक बार फिर से खेसारी लाल यादव के फैंस काफी ज्यादा उत्साह सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं।